हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और काफ़ी नई नई चीज़ें आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक का नाम है आज ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो मासिव बॉडी के बीच में या दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब आज ग्रेविटेशनल फील्ड समझिए कि क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड ये बेटा एक बड़ा सा मास है, ये एक बड़ा सा मास है, इसको मैंने नाम दिया है कैपिटल एम का। इसका नाम मैंने दिया है कैपिटल एम का। ये बड़ा सा मास अपने चारों तरफ एक रीजन बनाएगा, एक इलाका बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा कि जहां तक अपना फोर्स ये लगा सकता है, जहां तक ये अपना फोर्स लगा सकता है। मैं बोलूंगा इन्फिनिटी पर फोर्स कितना होगा, आप बोलोगे जीरो। इन्फिनिटी पर फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू जी एम, बड़ा वाला मास छोटा वाला मास अपॉन आर का स्क्वायर। अगर आप आर की जगह पे इन्फिनाइट डालते हो तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा जी, बड़ा वाला मास एम, छोटा वाला मास स्मॉल एम, अपॉन इन्फिनाइट का स्क्वायर, और इन्फिनाइट जिसके भी नीचे आता है उसको क्या बना देता है, जीरो। मतलब एक हद है, एक लिमिट है, एक दायरा है, क्षेत्र है, इलाका है, एक रीजन है, एक स्पेस है जहां तक इसकी दादागिरी चलेगी। तो कैपिटल मास एम जो होता है, जिसका फोर्स आप रियलाइज कर रहे हो बेटा, इसको बोलते हो सोर्स मास। क्या बोलते हो, सोर्स मास। सोर्स मास, और जिस पॉइंट पर एक नन्हे से मास को रख करके टेस्ट करते हो उसको बोलते हो टेस्ट मास। क्या बोलते हो, टेस्ट मास। तो जिस दूरी तक एक सोर्स मास अपना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का, उस दूरी को, उस रीजन को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस स्पेस जहां तक ये अपना अप्लाई करेगा फोर्स, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आप लोगों को, yes। तो ये कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, सो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, द इमेजिनरी स्पेस। ये किसी को दिखता नहीं है, है ना, ये किसी को दिखता नहीं कि अर्थ रखी हुई है, इससे बहुत सारे भाले निकले हुए हों और रीजन दिख रहा हो आसमान के ऊपर जाओ आप तो, कि ये अर्थ का इलाका है। सो इट इज अ टोटली इमेजिनरी स्पेस सराउंडिंग अ सोर्स मास, सराउंडिंग अ सोर्स मास, सोर्स मास के चारों तरफ, अप टू वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी रियलाइज्ड। जहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियलाइज कर सकते हो, दैट स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं उस स्पेस को, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ में आपने यही महसूस किया बच्चों, ये अपनी अर्थ है, अर्थ है, ये अपना अर्थ है। अर्थ का मास जनरली हम लोग मानते हैं मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मास में ग्रेविटेशनल फील्ड एक सर्टेन डिस्टेंस तक काम करता है। बोलिए हाँ, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस तक आप जाएंगे तो अर्थ आपको खींचेगी अपने तरफ, गिरोगे तो नीचे आके गिरोगे। बोलो हाँ, है ना, yes। अगर उस ग्रेविटेशन जोन के बाहर चले गए भाई साहब, बोलो हाँ, है ना, yes, फिर तैरते ही रह जाओगे, yes, फिर वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ चले जाओगे, बाहर, इलाके से बाहर चले गए तो फिर आप वहीं रह जाओगे। तो अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना, yes। और जब भी आप किसी फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, अगर फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर, और अगर आप यहाँ पर किसी मास को छोड़ेंगे, मास को छोड़ेंगे, तो जो बड़ी वाली बॉडी है वो आपको अपने की तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, मतलब फील्ड में मास लगता है, फील्ड में रखे जाने पर क्या लगता है, मास लगता है। जैसे वो जोर की हवा बह रही है, हवा विंड ब्लो हो रही है, और आप यहाँ पर आपने कोई चीज़ छोड़ दी, एक कागज का टुकड़ा, तो कागज का टुकड़ा हवा की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, लगेगा ना, तो फोर्स का एहसास बाद में हुआ जब आपने वहां पर पार्टिकल को रखा, मगर फील्ड का एहसास तो पहले से था आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, है ना, सोर्स मास होता है कैपिटल एम, और जो छोटा सा मास होता है स्मॉल एम, उसको हम बोलते हैं टेस्ट मास, टेस्ट मास। और टेस्ट मास के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ही छोटा होता है, तो हम लोग लिखते हैं एक विशेष बात कि लिमिट m टेंस टू जीरो, लिमिट m टेंस टू जीरो, मतलब ये ना के बराबर है इसका मास। अब आप कहोगे क्यों ना के बराबर है इसका मास, इसलिए कि ये बड़ा वाला मास बैठा है और इसके इम्पैक्ट को आप चेक कर रहे हो किस पे, छोटे से मास पे, समझ गए ना। पता चला आपने यदि इसी को बहुत जबरदस्त ले लिया, हाँ, है ना, yes, sir।
तो जिस पे फील्ड नापना था, जिस पे फील्ड चेक करना था, इसकी ताकत हमको यहाँ पे चेक करनी थी ना, ये अपनी ताकत से इसको निपटा देगा। यस सर, समझ गए ना, ये उल्टा इसको बुलाने लग जाएगा, उल्टा इसको बुलाने लग जाएगा कि आजा मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी फील्ड चेक करने के लिए जो मास होता है, टेस्ट मास जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट एम टेंस टू जीरो, मतलब मास एकदम मरीला हुआ है, फुल कुपोषित वाला मास है एकदम, समझ गए ना, बस मरने वाला है, इतना कम मास है। तो मतलब एक थ्योरी आपके बुक में कहीं कहीं पर आता है कि क्या होगा, तो ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, फील्ड लाइन से। किससे एक्सप्लेन करते हैं, ये जो आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं, जो इमेजिनरी लाइन बनाई है, इनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी इनको बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझ में आया आपको, चलिए तो आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब हम आपको कैलकुलेट कराते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे आप लोग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इसे बच्चों इंटेंसिटी भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं। आपकी बुक में ये दो नोटेशन से मिलेगा, या तो आई से मिलेगा या तो ई से मिलेगा, दोनों नोटेशन चलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो समझिए, ये मान लीजिए आपके पास में कोई फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मान लीजिए टेस्ट मास है, सॉरी सोर्स मास है ये, और ये सोर्स मास का एक इम्पैक्ट यहाँ तक है। यस सर। अब यदि यहां पर आपने एक टेस्ट मास रखा है M, क्लियर है? Yes, sir. और पहली पोजीशन है इसकी फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड पोजीशन ये है, बताइए दोनों पोजीशन पर इस टेस्ट मास पर फोर्स सेम इक्वल लगेगा कि अलग अलग लगेगा, बताइए? इक्वल लगेगा। बिल्कुल गलत, अलग अलग लगेगा। ये डिस्टेंस कम है तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, yes, मतलब सेकेंड केस का फोर्स F2 है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं कि F2 जो होगा वो लेस होगा, उल्टा बोल गया, ग्रेटर होगा, F1 जो होगा वो लेस होगा, बोली हाँ है ना, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स दम ज्यादा है और इस पॉइंट पर दम कम है। अगर आप स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि सोर्स मास के कारण किस पॉइंट पर कितनी ताकत लग रही है, तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ताकत हर पॉइंट पर अलग अलग लगती है। हर पॉइंट पर क्या लगती है, अलग अलग। जितने पास में आओगे ताकत ज़्यादा होगी, और जितने दूर जाओगे ताकत क्या होगी, कम होगी। अब हम उस स्ट्रेंथ को मेज़र करने वाले हैं कि भाई साहब वो स्ट्रेंथ है कितनी, आप हमें बताइए कि वो स्ट्रेंथ है कितनी। तो आइए देखते हैं वो स्ट्रेंथ है कितनी। तो मान लीजिए यदि कोई सोर्स मास M रखा हुआ है, और इसकी वजह से एक टेस्ट मास M रखा हुआ है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, F. कितना फोर्स है, F. तो हम कहेंगे कि टेस्ट मास M पर लगने वाला फोर्स कितना है, F. तो यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F अपॉन M, पता है ना, यूनिट के निकालने के लिए। हाँ चले, तो ये कहलाती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, I इज इक्वल्स टू F अपॉन M, या कुछ लोग E लिखते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू F अपॉन M। वेक्टर फॉर्म में I वेक्टर इज इक्वल्स टू F बाई M, जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ही क्या लगेगी, इंटेंसिटी लगेगी। जहां फोर्स होगा वैसे ही क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। तो I इज इक्वल टू F बाई M, या E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर अपॉन मास वेक्टर। आ गई बात समझ में? यस सर। फोर्स वेक्टर अपॉन मास वेक्टर, ठीक है ना, मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहीं पर इंटेंसिटी लग रही है। इसकी यूनिट की बात करूं मैं, तो फोर्स को किस में नापते हैं बेटा, न्यूटन। मास को किस में नापते हैं, केजी। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर केजी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर केजी। क्लियर हो गया?
तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम इंटेंसिटी को, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को, या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गए? तो आप लोग डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बच्चों, आ गया, फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, इमेजिनरी टाइप का, ऐसे समझ लिया आपने। यहाँ पर एक टेस्ट मास रखा हुआ है और टेस्ट मास पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, फील्ड की डायरेक्शन में F, क्या लग रहा है F। तो आपने देखा कि M मास पर लगने वाला फोर्स कितना है F, तो यूनिट मास पर फोर्स लगेगा कितना, F अपॉन M, और यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों एक ही नाम है बच्चों, नोट कर लीजिए, E इज इक्वल्स टू F बाई M, वेक्टर फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लास ट्वेल्थ में भी आपको बिल्कुल ऐसा एक टॉपिक मिलेगा, यहाँ ग्रेविटेशनल है, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा। ठीक है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F बाई M, यहां पे लिख सकते हैं प्रोवाइडेड, डिस्क्लेमर है, चेतावनी कि लिमिट M टेंस टू जीरो, मास जो है ना के बराबर है, क्योंकि अगर आपको ताकत नापनी है तो आप किसी नन्हे से मास को भेजिए, पहलवान को नहीं भेजेंगे, नहीं तो अपनी ताकत नपवा देगा। समझ में आ गया ना? हाँ, तो आपने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है फोर्स अपॉन एम, तो सीधा सीधा जो वेक्टर होगा ई किसका वेक्टर लेगी, एफ का, किसका वेक्टर लेगी, क्योंकि एम तो बेचारे स्केलर है, तो किसका वेक्टर पाएगी ये, एफ का, मतलब आप लिख सकते हो ई इज पैरेलल टू एफ, लिख लीजिए वेक्टर ई इज पैरेलल टू एफ, मतलब ये दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल होते हैं, क्लियर। अब आइए यूनिट की बात करते हैं, तो आपने देखा कि जो यूनिट है, यूनिट है ई की या आई की इज इक्वल्स टू फोर्स बाई मास, इसको आपने देखा ये है न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि याद हो आपको तो, एफ इक्वल टू एम ए, याद है। फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में, और मास का मतलब होता है केजी, और एक्सलेशन मतलब मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन की जगह मैं लिखता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला किलोग्राम नीचे, किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, तो भाई साहब इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि यूनिट के मामले में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह लो या एक्सेलेशन कह लो, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। आगे बात समझ में ना, मतलब कि जो न्यूटन पर किलोग्राम होता है वो किसके इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किसके इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए ठीक है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर चलते हैं, यदि आपने लिख लिया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर चलते हैं हम लोग, अगला डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। जैसे आपसे कोई कहे फील्ड फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो ये समझ लेना भैया इंटेंसिटी फाइंड होगी। आपसे कोई बोले वो यहाँ पे फील्ड कितना होगा, लोग बोलते हैं जनरली, मैं भी बोल देता हूँ, तो फील्ड का मतलब क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप लिख क्या रख रहे हो, मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास। एक बहुत जबरदस्त डेरिवेशन करने जा रहे हैं पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों मान लो आपके पास एक पॉइंट मास है जिसका नाम है m, क्या नाम है m, इतना बड़ा दिख रहा है मगर पॉइंट है भैया, मैं पहले बता दूं इतना बड़ा दिख रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं छोटा सा बनाता तो आपको मजा ना आता, समझ गए ना, इसलिए मैंने इतना बड़ा पॉइंट मास बनाया है जिसका नाम है कितना m, कैपिटल m, और कैपिटल m के कारण मुझे r डिस्टेंस पर निकालनी है फील्ड इंटेंसिटी। नन्हे मास का स्वागत किया जाए, स्मॉल m आ चुका है, आ चुका है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कहां लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा यहां अंदर की ओर, तो फोर्स लगने वाला इक्वल टू जी कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, है कि नहीं है। आप वेक्टर के शौकीन है तो मैं वेक्टर लगा देता हूं, ये देखिए मैंने लगाया फोर्स वेक्टर, हाँ है ना। तो यहां पे जो वेक्टर लग रहा कहां लग रहा है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा कि नहीं लग रहा है, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है भैया, माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है आई कैप और एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है माइनस आई कैप, समझ गए ना। और वेक्टर पे नहीं खेलना है तो माइनस आई कैप को उड़ा देना जैसे आपकी बुक में रहता है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि भैया जो इंटेंसिटी होती है जिसको आई वेक्टर बोलते हो या ई वेक्टर बोलते हो वो होती है कितना, फोर्स पर यूनिट मास, होती कि नहीं होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। तो आपने टेस्ट मास यहाँ पे क्या रखा, स्मॉल m, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, वन अपॉन स्मॉल m, और फोर्स का डेरिवेशन रख दिया ये पूरा का पूरा, तो g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, और वेक्टर यहाँ पे कितना माइनस i कैप, मास से मास क्या हो गया कैंसिल, तो लियो भाई साहब e का डेरिवेशन आ चुका है, e वेक्टर इक्वल टू माइनस आगे कर दो g कैपिटल m अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा i कैप। ये आ गई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डेरिवेशन, समझ में आ गया, क्लियर है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आर का स्क्वायर, तो यदि स्केलर फॉर्म में बात करूं तो ई इक्वल टू कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे सर ये तो वही था जो पढ़ाया आपने, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आया। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के फॉर्मूले सेम हैं, मगर फीलिंग वाइज दोनों क्या है अलग अलग, फीलिंग वाइज दोनों क्या है अलग अलग। आगे बात समझ में ना, कोई दिक्कत, चलिए तो इसको आप लोग बाद में वीडियो से नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सर आप पढ़ा चुके हुए, मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अब मैं पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब फील्डों का मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा कि अगर फील्ड अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे, कई सारे फील्ड लगेंगे तो कैसे करेंगे। मान लो भाई साहब ये है अपना मास m1 और ये है मास क्या m2, m2, और मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है फील्ड निकालना है। तो आपको पता है जिस पॉइंट पर फील्ड निकालते थे वहां पे क्या रखते थे यूनिट मास, क्या रखते थे, क्योंकि फील्ड क्या होता है यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स, बताया था मैंने द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, याद है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, तो ठीक है भैया अच्छी बात है। तो यहां पर मुझे फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो देखिए कैसे फील्ड निकलेगा, इसकी वजह से फील्ड आएगा अंदर की ओर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ईवन वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। फील्ड हमेशा कहां जाता है मसूर्स मास की तरफ, याद है पढ़ा है ना, इसकी वजह से फील्ड आएगा, बोलो कहां आएगा, अंदर की तरफ, ई टू वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। और कई सारे हो सकते हैं, पहला वाले यदि मैं फील्ड की बात करूं, पहले वाले फील्ड की बात यदि मैं कर दूं, पहले वाले फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, अमाउंट ईवन इक्वल टू, अभी पढ़ाया हूं बच्चों जी एम वन अपॉन ये डिस्टेंस मान लो यार आर वन, कितनी मान लो आर वन का स्क्वायर। दूसरे वाले फील्ड की स्ट्रेंथ मान लो ई टू इक्वल टू जी एम टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। तो ये लॉ कहता है सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड का कि जो नेट फील्ड निकलेगा इस पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर लगने वाला नेट फील्ड जो होगा ये इनके इंडिविजुअल फील्ड का वैक्टर सम होगा, मतलब ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर, द नेट फील्ड एक्टिंग एट अ पॉइंट
इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड, पॉइंट मास इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल इंटेंसिटीज वर्किंग एट दैट पॉइंट. क्लियर हुआ? और भी हो जाएंगे. लो भाई साहब, आपने कहा सर एक और ले लो यार, एम थ्री ले लो, तो लियो इसका फील्ड और जनरेट हो जाएगा यहाँ की तरफ. बोलो है ना, ई थ्री. तो मैं यहाँ पे एक और बढ़ा दूंगा, क्या हो जाएगा, ई थ्री वैक्टर. बोलो आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए भाई साहब. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बैठा हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आप बताइएगा मुझे फील्ड कितना होगा, फिर एक ऐसा कंसेप्ट बनाऊंगा उसको लेकर के क्वेश्चन हाजिर किया जाए. ये क्वेश्चन है आपके लिए भाई साहब. डायग्राम पे मत जाना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. क्या है बेटा ये? इक्विलेटर मतलब तीनों की साइड इक्वल है, एंगल एंगल 60 होता. बोलो हाँ. yes. भाई साहब यहाँ पर एक मास रखा है m, यहाँ पर भी एक मास रखा है m, यहाँ पर भी एक मास रखा है m. सवाल है इसके सेंटर पर फील्ड निकालना है, ठीक है? yes, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. तीनों का मास इक्वल है, इसके सेंटर पर फील्ड निकालना. आ जाओ देखते हैं भैया. तो फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं. इस पेन से करा जाए, इससे करते हैं. चलो देखो भाई, फील्ड निकालना है इस पे. सबसे पहले मैं इसका फील्ड लेता हूँ, इसका फील्ड का नाम मैं मान लेता हूँ E1. लो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई, चलो ठीक है. इसका नाम मैंने मान लिया क्या बेटा? E1. ठीक है. इसका नाम मैंने मान लिया क्या बेटा? E2. और इसका नाम मैंने मान लिया क्या? E3. अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड वाइज E1, E2, E3 सेम होंगे. क्योंकि सेंटर जो होता है ना, सेंटर हमेशा सेम डिस्टेंस पे होता है कॉर्नर से. तो यदि मैं इसकी डिस्टेंस मान लूँ R, तो इसकी भी कितनी होगी? R. इसकी भी कितनी होगी? तो इसका क्या बनेगा भैया? पहले वाले का GM अपॉन R का स्क्वायर. दूसरे में भी क्या बनेगा? GM अपॉन R का स्क्वायर. तीसरे में भी क्या बनेगा? GM अपॉन R स्क्वायर. बहुत शानदार, R का स्क्वायर. अब देखिए, देखते हैं कि नेट कितना होगा. देखो भाई क्या हो रहा है, इसको बाहर लेके आओ इस डायग्राम को. तो एक लग रहा है भाई साहब ऊपर, तो मैं तीनों का जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब E1 भी यहाँ है, ये E2 है, और ये क्या है? E3 है. ठीक है, ये जो वेक्टर्स हैं बच्चों, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये 120 पर एक्ट करते हैं. कितने पर एक्ट करते हैं? 120. अब आप कहोगे सर क्यों एक्ट करते 60, 60. हैं, ये 60 था, ये भी क्या था? 60. तो 60 का आधा कितना हुआ? 30. ये भी कितना हुआ? 30 कितने हुए? 60. तो 180 में से 60 का कितना हो गया? 120. कितना हो गया? 120. तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, 120 पर एक्ट करते हुए इनका रिजल्टेंट मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि दो वेक्टर हैं. हाँ या ना? yes. तो भैया हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर आएगा. कितना आएगा देखो, E रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट पहला वेक्टर E2 का स्क्वायर. अब भैया मैग्नीट्यूड वाइज तुम तीनों सेम ही तो हो, तो हम तुम तीनों का नाम क्या रख देते हैं? E मैग्नीट्यूड में. हाँ या ना? डायरेक्शन में तुम हो E1, E2, E3. हाँ या ना? एक ईस्ट का मुक्का है, एक वेस्ट का मुक्का है, एक कहीं का मुक्का है, मगर दम के हिसाब से तीनों क्या है? मुक्के. सेम है. तो मैंने इसका नाम दे दिया, पहले वाले का भी ई है, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज ई है, ये भी क्या है? ई. तो भैया ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2e e 2ab. हाँ है ना? कॉस थीटा, तो कॉस 120. कॉस 120, सांस फूल गई मेरी. तो कॉस 120 कितना होता? -1/2 रख दूं. yes. -1/2. ये लड़ मारा. बोलो हाँ या ना? yes, कितना हो गया? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और माइनस का ई स्क्वायर. देखो भाई साहब क्या हो रहा है, ई रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और माइनस का ई स्क्वायर. हाँ या ना? yes, तो एक ही स्क्वायर से एक ही स्क्वायर कैंसिल, कुल मिला के अंडर रूट के अंदर एक ही स्क्वायर बचा, जो कि कितना आ गया? ई. हाँ या ना? yes, तो मतलब ये दोनों जो एक्ट कर रहे थे, इनका जो रिजल्टेंट निकला वो कितना निकला? और ऊपर जो एक्ट कर रहा उसका भी रिजल्टेंट कितना है? ई. तो डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो एक दूसरे को काट दिए, सब कुछ कट गया. बोलो रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो. समझ गए? मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, वो कितनी आएगी? जीरो. इसका पॉइंट एक्स ले लिया था अपन ने, इसका नाम एक्स ले लो, कुछ भी ले लो. तो यदि मैं इसका नाम एक्स ले लूं और मैं बोलूं भैया ई एक्स कितना होगा, तो आंसर क्या लिखोगे आप? जीरो.
ठीक है ना सर, ये माइनस वाला साइन यहाँ जैसे रह गया, उसका क्या होगा? इसीलिए तो कैंसिल हुआ है, माइनस ई इंटू ई माइनस ई स्क्वायर हो गया ना, तभी तो वो कैंसिल हुआ है इससे, नहीं तो प्लस प्लस में तो ऐड हो जाता ना। तो बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया इस क्वेश्चन में कि जो नेट फील्ड था ई वैक्टर इक्वल टू ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर प्लस ई थ्री वैक्टर, और जब मैंने इन तीनों का वैक्टर सम किया तो आंसर कितना आया? जीरो। और याद रखना वैक्टर का सम हमेशा वैक्टर होता है, इसलिए समझदारी है कि आप इसके ऊपर जीरो वैक्टर लगाएं, समझ गए ना? वेक्टर का सम कभी स्केलर नहीं होता है, समझ गए? यस। तो एक चीज मैं आपको यहां पर एक लॉजिकल रिजल्ट दे रहा हूं आपको मैं, कि कभी भी अगर आपके पास में कोई भी सिमेट्रिक कर्व है, क्या है? सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए? सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी भाई साहब? जीरो। चाहे आप क्वाड्रिलेटर ले लो भाई साहब, ये ले लो, बोलो हाँ, सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? जीरो, हमेशा, समझ गए? यस सर। कितनी होगी? जीरो। नीट में क्वेश्चन आया, एक हेक्सागन है, क्या है? हेक्सागन। यहाँ पे छह मास रखे हुए, एक दो तीन चार पांच, समझ गए? ये छह, बोलो हाँ, है ना? बोले सेंटर पर फील्ड निकालो, कितना होगा? जीरो। देख लो, वैसे भी देख लो, आंसर देख लो इसका कैसे क्या होगा। ये बोलेगा ये यहाँ पे यूनिट टेस्ट मास रख दिया, बोलो हाँ, ये वाला मास बोलेगा ये मेरा है, ये बोलेगा ये मेरा है, लड़ मारे कैंसिल, बोलो हाँ, ये बोलेगा टिचुक ऊपर की तरफ, ये टिचुक नीचे की तरफ, आया ना? ये भी लड़ मारे, ये बोले टिचुक मेरा है, मेरा है, मैं किसी का नहीं हूँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी? जीरो। समझ में आ गया? रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो, और जहां इंटेंसिटी जीरो है वहां पर फोर्स 100% क्या होगा? जीरो होगा। क्यों 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 क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स अभी आपने देख लिया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट मास, बोलो है ना? तो फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट मास इंटू कितना? इंटेंसिटी। टेस्ट मास इंटू इंटेंसिटी। तो भैया जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, इंटेंसिटी को जीरो कर दो, तो यदि निकालना था सेंटर पर, सेंटर का नाम था ओ, तो ओ पर बैठा हुआ टेस्ट मास कितना है? एम। इंटेंसिटी कितनी है? जीरो। तो आंसर कितना? जीरो। मतलब इंटेंसिटी अगर जीरो होगी तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। आ गया समझ में ना? चलिए ये हो गई एक अच्छी बात। अब आइए दूसरी बात एक और करता हूं, हम निकालते हैं एक दूसरे पोजीशन पे। अब इंटेंसिटी आपने जीरो तो देख लिया है, अब दूसरी पोजीशन पे इंटेंसिटी मैं आपको निकलवा करके दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं ही नोट करूंगा, आंसर भी मैं बनाऊंगा, आप लोग बस देखिए आराम से। ये अपने पास फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऊपर भी रखा है एम, यहां भी रखा है एम, और यहां भी रखा है। मुझे निकालनी है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, मुझे निकालनी है इस पॉइंट पर, इसका नाम मैंने वाई दे दिया, ठीक है ना? अब चलिए इस पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालता हूं। ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी? ए थी। ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी क्या था? ए, ठीक है बेटा, ए। ये क्या है बेटा? ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है इसका? ये मिड पॉइंट है। मतलब ये डिस्टेंस कितनी? ए बाई टू। और ये भी डिस्टेंस कितनी? ए बाई टू। चलिए अब दोनों डिस्टेंस a बाई टू है। अब रियलाइज करिए कुछ चीजों को बेटा, ये जो मास है ये इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ठीक है ना, ये वाला मास इसको खींचेगा। तो मैं इंटेंसिटी तीन बनाता हूं बेटा, इस वाले का नाम मैं दे देता हूं ई वन, क्या देता हूं? E1। इस वाले का नाम मैं दे देता हूं ई टू, और ये ऊपर खींचेगा भाई साहब ई थ्री, तो इसका नाम है ई थ्री। क्या खींचेगा? ई थ्री। समझ में आ गया ना? हाँ। अब यदि आप ध्यान से देखो कि E1 और E2 दोनों के इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के क्या है? इक्वल है कि नहीं है? yes, क्योंकि मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो आपको पता है कि भैया जो E1 होगा वो कितना होगा? बोलो जी, मास कितना है? स्मॉल m, हाँ है ना, अपॉन r का स्क्वायर। r की जगह कौन है भैया? a by 2, a by 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और E2 भी इतना ही होगा? yes, sir। तो ये एक दूसरे को काट दिए, मतलब कि जो नेट रिजल्ट आएगा E1 और E2 का वो कितना हो जाएगा? जीरो, बोलो हाँ। बट ये भैया बैठा ऊपर वाला, yes, sir।
क्लियर है ना। और तीन लोग एक्ट कर रहे हैं इंटेंसिटी के नाम पे, E1, E2 और E3। तो जो फैसला होना है भाग का वो होना है E1 प्लस E2 प्लस E3 से, होना है कि नहीं होना। ये आना है नेट इंटेंसिटी, इस पॉइंट का नाम मैं वाई दे देता हूँ। तो ई वाई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। ये तो दोनों लड़ मरे हैं, बोलो हाँ खुशी की बात है। अब तीसरा निकालते हैं, तो तीसरा वाला हमको निकालने के लिए हम ई थ्री की वैल्यू निकालते। तो ई थ्री इक्वल टू हमको चाहिए है कितना, बोलिए फार्मूला होता है कैपिटल जी, मास कितना भैया इसका एम, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओ हो हो, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, यस नो। तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, आ जाओ भाई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में भैया ये तो हमको डिस्टेंस पता कितनी है, ए दिख रहा है ये, ये कितनी है ए, ये नीचे वाला कितना है ए बाई टू, और जो पता नहीं तो उसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया है भाई। ये वहाँ ले रहा वीडियो चलते समय, इसका नाम आरुष है, खूब कमेंट करना ठीक ना, ठीक है। ये एक्स है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी थी, क्या मान लिया मैंने इसको एक्स, क्या मान लिया इसको एक्स। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, बोलो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पर बेस का स्क्वायर, यस सर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, होता कि नहीं होता, यस सर। तो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से a स्क्वायर बाई फोर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फोर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, बोलो कितना हो गया थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। तो हमको तो x चाहिए ना, तो भैया रूट लगा दो, रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर बाई कितना फोर इक्वल टू कितना x, तो बोलो कितना आएगा इसका अंडर रूट थ्री ए बाई टू, क्या आ गया अंडर रूट थ्री ए बाई टू। क्या समझना है देखो इसमें भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है a, परपेंडिकुलर कितना है a, यहाँ पे सॉरी फाइंड करना है x मान लिया इसको, क्या मान लिया, और बेस कितना है a बाई टू। तो ये देखिए डायग्राम बना दिया मैंने, ए है ये ए बाई टू, एक्स है, लगा दी थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लेने पर कितना आ गया अंडर रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है भाई। तो वैल्यू पुट कर दें देर किस बात की, तो ई थ्री की वैल्यू जी एम, बोलो हाँ, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी आई है अंडर रूट थ्री ए बाई टू का होल स्क्वायर है, ठीक है। और तुम कहोगे सर वेक्टर लगा दो, तो लियो वेक्टर भी लगा दिया, लगा दिया। बताइए ई थ्री कहाँ एक्ट कर रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ के वेक्टर को क्या बोलते हैं जे कैप, क्या बोलते हैं जे कैप। तो आंसर ई थ्री इक्वल टू टू का स्क्वायर पलट करके आएगा, बोलो क्या हो जाएगा फोर जी एम अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है ई वाई पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इक्वल टू ये कितना हो चुका है जीरो, तो इसको मत लिखो, सीधे आंसर आएगा कितना फोर जी एम अपॉन थ्री ए स्क्वायर, और ये जे कैप की जे कैप रख दो है ना, ये वेक्टर भी लगा दो, तो यहाँ पे कितना आएगा जे कैप, और ये वेक्टर लग गया, समझ में आया ना। मतलब नेट इंटेंसिटी कहाँ कर रही है, अपवर्ड काम कर रही है, फोर जी एम अपॉन थ्री ए स्क्वायर जी, वेक्टर नहीं भी लगाएंगे तो सही है। तो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप बता दीजिए जनता को कि ये मैग्नीट्यूड है, क्या है ये मैग्नीट्यूड। अब आप एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आता है, है ना। चलिए निकलवाते हैं, क्या हम निकलवाते हैं कि वो पॉइंट बताइए जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा जीरो। आइए देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये देखिए आपके पास में एक मास m है, ये आपके पास में एक मास m है, ठीक है ना, और एक मास m बैठा हुआ है, और ओ भाई साहब एक मास m बैठा हुआ है, और इसके थोड़ी दूर में ये बेटा ये बैठा हुआ है, और यहां इस पे कुछ दूर पर दूसरा मास बैठा हुआ है, दूसरे मास का नाम है बच्चों फोर स्मॉल m, क्या नाम है फोर स्मॉल m। आपको बताना है कि फाइंड एट वेयर, फाइंड द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इक्वल टू जीरो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इक्वल टू वो पॉइंट बताओ जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है जीरो, या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है जीरो है। अब भैया ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो फोर्स भी कितना हो जाएगा जीरो,
जीरो, पक्की बात ना। चलिए तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है तो हमको पता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। मैं यदि यहां पर रखूंगा, मैं यहां पर पॉइंट बनाता हूं, मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, देखिएगा इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई नहीं, इसके बीच की डिस्टेंस आर इक्वल्स टू 9 मीटर, कितने मीटर बच्चों, 9 मीटर। अब मैं यहां पर मान के चलता हूं वो पॉइंट जिस पर मुझे लग रहा है कि इंटेंसिटी जीरो है। अब क्यों है जीरो, देखिए ये मास यहां पे यूनिट मास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यूनिट मास, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम। और अभी मैंने आपको बताया भी कि व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट मास, समझ में आ गया, पर यूनिट मास, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स। यहां पे मैंने यूनिट मास रख दिया, अच्छी बात है, यूनिट मास रख दिया मैंने यहां पे। अब ध्यान से देखिए ये वाला मास इसको अंदर की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और ये वाला मास इसको अंदर की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा, क्लियर है। मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकती है, कैंसिल। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट बीच में क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, ये इसके पास क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि फोर वाले का फोर्स ज्यादा होगा। यस सर। तो यदि आप इसके पास में लेते इसको तो ये ज्यादा जोर से खींचता, मतलब ये वाला इसका होता मान लो 8 न्यूटन का और ये बेचारा दूर बैठा है तो ये वाले का आता 2 न्यूटन, बोलो हाँ। यस सर। तो दोनों कैंसिल होने ही नहीं थे। यस सर। फोर्सेस, बोलो या सुनो सर। दूर आते आते इस वाले का प्रभाव इस पर कम हो जाएगा। यस सर। और इस वाले का प्रभाव इस पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हो सकता है दोनों बैलेंस हो जाएं, दोनों बैलेंस, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना। yes. मतलब ये बात तो पक्की है भैया कि इंटेंसिटी यहीं यहीं आसपास में कहीं जीरो होगी, बट हमको पता नहीं वो डिस्टेंस कितनी है। लो भाई साहब, तो हमने मान ली वो डिस्टेंस है एक्स, क्या मान ली, डिस्टेंस एक्स, ठीक है ना। इस वाली इंटेंसिटी का नाम मैं दे देता हूँ ई वन और इसका नाम मैं क्या देता हूँ ई टू वैक्टर, बोलो ये सुनो। तो ये हो गया x, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 9 माइनस x होगी कि नहीं होगी। yes, अब ये पॉइंट p है जिस पॉइंट पर निकालना है, तो एट पॉइंट p यदि हमको निकालना है कि इंटेंसिटी जीरो है तो हमने माना से, यानी कि माना या लेट बोलते हैं, से एट पॉइंट p, पॉइंट p रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, जीरो। भैया ये कब संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है कि जब E1 का खिंचाव, E1 की इंटेंसिटी और E2 की इंटेंसिटी आपस में क्या हो, इक्वल, समझ में आ रहा है ना भैया। जब दोनों बराबर इंटेंसिटी से खींचेंगी तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। तो E1 की इंटेंसिटी बताता हूं आपको, E1 की इंटेंसिटी क्या होती है, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन बेटा डिस्टेंस कितनी है, बोलो यहां से इसकी एक्स है ना, तो यहां पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी निकालो, कैपिटल जी बोलो मास कितना है, 4m अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं है। चलो अच्छी खबर, जी से जी, एम से एम, ठीक है। चलिए यहां से 9 माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर चला गया उछल करके, और नीचे कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर कौन बच गया, 4। मैं लिख सकता हूं इसको 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4, क्लियर है। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले में क्या लगेगा, रूट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो भैया 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4, तो 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू बोलो कितना आएगा, रूट प्लस माइनस 2। फिजिक्स पढ़ रहे हो भैया, दोनों छोड़ना मत, प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा, बोलो हाँ। अब भैया एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस। तो प्लस लेने पर देखिए 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना बेटा, प्लस 2, और माइनस लेने पर 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, -2। एक आंसर सही आएगा, एक आंसर गलत आएगा। जो गलत वाला गलत क्यों आएगा, मैं ये भी बताऊंगा कि वो गलत क्यों है। चलिए सॉल्व करता हूं, तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x, तो 9 इक्वल टू ये x यहां चला गया, 2x प्लस x कितना, 3x, तो आंसर x इक्वल टू कितने मीटर, 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर, एक आंसर आया। मतलब x जो है 3 मीटर की दूरी पर होगा लेफ्ट वाले से, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले से x माना है,
तो लेफ्ट वाले से अभी जो आंसर आया हमारा, अभी आए हुए आंसर को मैं ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ कि अभी जो आया है हमारा आंसर, वो कह रहा है कि जो एक्स है ये डिस्टेंस कितने मीटर होगी, 3। मतलब मास एम से 3 मीटर दूर पर हमको मिलेगा 0 इंटेंसिटी वाला पॉइंट, और मास एम टू से कितने मीटर पर मिलेगा, 6 मीटर पर, क्योंकि भैया 6 और 3 9। बोलो हाँ। अब दूसरा वाला सीन देख लो भाई, तो दूसरा वाला सीन है -2 ले लो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 - x = कितने, 2x - 2x, तो 9 - 9 = -2x और प्लस कितना x, तो 9 = कितना हो गया -x, तो x = कितना -9। देखो भाई क्या अनर्थ हो रहा है -9 का, मतलब x = -9, ये यहाँ पे रखा था मास m और यहाँ पे रखा था क्या 4m। बोलो हाँ, है ना। और ये जो पोजीशन थी, यहां से मैंने ये डिस्टेंस को x लिया था था ना, यहां पॉइंट का क्या लिया था x, तो यहां x = 3 था, और पीछे चलते चलो यहां पे क्या x = 0, क्या x = सेंटर बन गया, इधर चलो 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 चलो, तो 9 कदम पीछे आएगा x = -9। बोलो हाँ, है ना। अब जरा सोचो कि इस पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी कभी 0 हो सकती है, ये वाला मास इसको अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही बनेगी कि नहीं बनेगी, I1 बनेगी कि नहीं बनेगी, I1 या E1 जो भी बोलना है, ये वाला मास इसको किस तरफ खींचेगा, इधर तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो I2 भी तो यही बनेगी। और भैया दो चीज जुड़ के कभी 0 प्रोड्यूस कर सकती है क्या, तो मतलब इस पॉइंट पर कभी भी इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती, मगर ये पॉइंट पर बिल्कुल सही है, इस पॉइंट पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला इधर खींचेगा और ये वाला इधर खींचेगा, तो दोनों इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी, आंसर कितना 0। तो बोलो आंसर करेक्ट = कितने मीटर, 3 मीटर। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि यहां पर दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है। हाँ बोलो, बोलो सर, ये ऊपर स्लाइड कीजिएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे जैसे -2x + x है, भाई साहब देखो -2x + x कैसे बनेगा बेटा, -2x मतलब कि 2 बकरी माइनस में और 1 बकरी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा -1x, ठीक है ना, -2x + x - 1x, क्लियर है। जैसे कि आप -2 + 1 जोड़ते तो कितना आता, -1, अब यहाँ पे x लगा दिया है तो इसलिए मैं x को बकरी बोलता हूँ, तो 1 बकरी आ गया, 1x को -x से लिया जाता। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं, ये तो हो गई बात, ठीक है ना, ये तो हो गए, अभी मैंने आपको बताया एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन, किसके बताए सिंपल टाइप के, अब आ रहे हैं तूफानी वाले क्वेश्चन, कठिन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, मेंस लेवल के, नीट लेवल के क्वेश्चन अब आपको बताता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, चाहे मैं फील्ड बोलूं या मैं फील्ड स्ट्रेंथ बोलूं, चाहे मैं इंटेंसिटी बोलूं, तो सवाल है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, कंसेप्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, यदि आपके पास कंप्लीट सर्कल होता तो इंटेंसिटी 0 हो जाती, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि कंप्लीट सर्कल होता तो सिमेट्रिक डायग्राम था, ये देखिए इस पॉइंट पर जितना यहां वाला भाई खींचेगा उतना वाला इंटेंसिटी यहां से खींचेगा, बोलो हाँ, है ना, नेट कितनी हो जाती 0, नेट कितनी हो जाती, बट भैया अभी हमारे पास सेमी सर्कुलर है, क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क, ये देखिए ये है एक सेमी सर्कुलर आर्क, और आपको इसके सेंटर पर इंटेंसिटी निकालनी है, इसके सेंटर पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। इस सेमी सर्कुलर आर्क का जो मास है वो है कैपिटल M, और इस सेमी सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। आपको बस इतनी जानकारी देकर के छोड़ दिया गया है कि सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर इंटेंसिटी निकालो, कैसे करेंगे आइए देखिए,
हम क्या करते हैं ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, हम यहां पर इसकी छोटी सी लेंथ इसके ऊपर मानते हैं छोटा सा मास। टोटल मास क्या है, m है, तो मैं छोटा सा मास मानता हूं dm। क्या मानता हूं, मास dm। इस मास की बाउंड्री को टच कर दो, इससे टच कर दिया। yes, क्लियर है, बोलो यस। yes. ये मास कितना एंगल बना रहा है यहां से, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, और इसके खुद का एंगल जो अंदर है बच्चों वो है डी थीटा। कितना एंगल है, डी थीटा एंगल है, और ये मास है डीएम। yes. ये मास है डीएम। ये मास के कारण ये मास क्या कर रहा होगा, सेंटर को अपनी तरफ खींच रहा होगा। खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा, बोलो। yes, इंटेंसिटी लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। yes, मैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूं भाई साहब, देखना ध्यान से। ये इंटेंसिटी ई दिख गई कि नहीं दिखी। yes, इस मास पर इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऐसी तो लगेगी, बोलो। हाँ, है ना, क्लियर है ना। yes, sir. ठीक इस मास के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर कोई बैठा होगा ऐसा मास, बोलो। हाँ, डीएम, बोलो यस कि नो। ये डीएम भी इंटेंसिटी ई यहां पे इंट्रैक्ट कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा। yes, होगा। डायरेक्शन अलग है मगर मैग्नीट्यूड वाइज कितनी लगा रहा होगा, ई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। yes, मास सेम है। ये एंगल थीटा है तो कहीं ना कहीं इसका भी एंगल क्या बनेगा, थीटा, थीटा, क्योंकि भैया सेमी सर्कुलर है तो सिमेट्री है ना। yes, इधर भी थीटा है तो इधर भी क्या है, थीटा, थीटा है, पक्की बात। yes, चलिए तो मैं सबसे पहले मैं इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं। तो भैया इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं, ये इंटेंसिटी छोटी सी मास के लिए, तो इसका नाम मैं मान लेता हूं डीई। क्या मान लेता हूं, डीई, यहां भी लिख देता हूं डीई। क्या है ये, डीई। तो मैं डीई इक्वल टू लिखता हूं जी, मास कितना, डीएम अपॉन आर का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितनी है आर, तो डीई इक्वल टू जी डीएम अपॉन आर का स्क्वायर। अब आ जाओ जरा यहां, आ जाओ पिक्चर पे आ जाओ। ये देखो, अब ये अपना हॉरिजॉन्टल है, ये अपना वो पॉइंट है जिस पर अपन को इंटेंसिटी निकालनी। भाई साहब मान लो इस पॉइंट का नाम है, इसका नाम मान लो एक्स, मान लो क्या मान लो एक्स। तो इस एक्स पर विचार करो भैया, एक इंटेंसिटी यहां जा रही है, बोलो। हाँ, ई डीई कहां जा रही है, डीई, और एक इंटेंसिटी यहां जा रही है डीई, बोलो यस की नो। yes. इसका ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो मैं तोड़ रहा हूं इसके कंपोनेंट, तो डीई का एक कंपोनेंट यहां पर टूटेगा, बोलो क्या होगा, डीई कॉस, और दूसरा कंपोनेंट यहां टूटेगा साइन थीटा। इसका देखो ना, ये इसका, इसका ये भी टूटेगा डीई कॉस। अब इसका ऊपर की ओर तोड़ो, इस वाले का क्या टूटेगा, बोलो डीई साइन थीटा, है ना। और इस वाले का भी ऊपर टूटेगा, बोलो कितना हो गया, डीई साइन थीटा। आई बात समझ में। yes, तो दोनों कंपोनेंट इधर के टूट गए, डी ई साइन थीटा, क्लियर। तो अब मुझे निकालनी है नेट इंटेंसिटी। तो जैसे इसका, इसका दो निकल करके ऐड हुए हैं, ऐसे सबके ऊपर वाले ऐड होते जाएंगे क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए। yes, मतलब नेट इंटेंसिटी कहां की तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी कि नहीं बनेगी। yes, बाकी सबकी कैंसिल हो जाएगी। तो मैं नेट इंटेंसिटी निकाल रहा हूं भैया, तो नेट इंटेंसिटी ई इक्वल टू छोटी छोटी इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन, है ना। yes, क्योंकि जब छोटी छोटी इंटेंसिटी को जोड़ोगे तो छोटी छोटी इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ई इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटा डी ई साइन थीटा, क्योंकि इंटेंसिटी का कौन सा पार्ट इंटीग्रेट हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट, क्या है, डी ई साइन थीटा, थीटा, बोलो। हाँ। yes, और थीटा कहां से स्टार्ट होगा, यहां वाला थीटा कितने डिग्री होगा, जीरो डिग्री जब स्टार्ट होगा, बोलो। yes, हाँ। तो थीटा कितने से स्टार्ट होगा, जीरो से, और चलते चलते जाकर के एंड में कितना हो गया, पाई, पाई। तो जीरो से लेके कितने की लिमिट लगेगी, पक्का समझ में आ रहा ना, एकदम तूफानी वाली फिजिक्स है, जीरो से लेके पाई, बहुत बढ़िया। अंदर रख दिया मैंने भैया डी ई साइन थीटा, बोलो। हाँ। ई इक्वल टू जीरो से लेके पाई, डी की वैल्यू रख रहा हूं, क्या पढ़ाया हूं, जी डी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और यहां पे साइन थीटा, बोलो। हाँ। yes, अब देखो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आने वाला है, यहां पर जो इंजेक्शन लग रहा है वो है डीएम का। किसका लग रहा है, डीएम का, मतलब जो ऑपरेटर है, जो इंटीग्रेशन करने का ठेका उठा रखा है जिस अपने भाई ने, वो है डीएम, बोलो। हाँ। yes, और जो बदलाव दिया है भैया वो थीटा का दिया है, जीरो से लेके पाई दिया है ना। yes, मतलब मरीज कोई और है, इंजेक्शन कोई और है,
मरीज है थीटा का और इंजेक्शन लग रहा किसका, डीएम का, समझ रहे हैं? मतलब इंटीग्रेशन करने वाला जो वेरिएबल है वो एम है, और जिसको इंटीग्रेट वाकई में होना वो कौन है, थीटा है, क्योंकि जी तुम तो कांस्टेंट हो बिल्कुल बाहर आओ, जी सर जी आर स्क्वायर तुम भी कांस्टेंट हो बिल्कुल बाहर आओ, बहुत बढ़िया, जीरो से लेके कितना पाई, पाई अंदर कौन बैठा है, साइन थीटा डीएम, तो यहाँ पे डीएम और यहाँ पे साइन थीटा, आई बात समझ में ना, यहाँ पर ला करके आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए और इसको नंबर वन दे दीजिए, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए आपने ये पूरा आर्क लिया था डीएम, बोलो हाँ, इसका मास कितना लिया था, डीएम, कितना मास लिया था डीएम, ये देखो ये मैंने बना दिया है, इसका मास कितना है डीएम, बोलो यस, और ये बीच का इसके एंगल कितना है कि नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चों, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यस और नो, एंगल कितना है डी थीटा, एंगल कितना है डी थीटा, आर्क की लेंथ का पता नहीं, इसकी लेंथ कितनी मान लो एल, और रेडियस कितनी है आर, तो एल इक्वल टू कितना बन गया आर डी थीटा, बोलो है ना आर डी थीटा, तो मैं लिखूंगा आर डी थीटा लेंथ का मास कितना है डीएम, है कि नहीं है, ये आर डी थीटा लेंथ है ये थी, इसका मास कितना दिया है डीएम, आर डी थीटा लेंथ का मास कितना है डीएम, तो भैया यूनिट लेंथ का मास कितना होगा डीएम अपॉन आर डी थीटा, पक्की बात, ये यूनिट लेंथ का मास है, समझ गए ना, ये क्या है यूनिट लेंथ का मास, बहुत काम की चीज। अब दूसरे नजरिए से देखो, दूसरे नजरिए से हम ये देख सकते हैं कि जो आपके पास पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, बोलो हाँ, इसका मास कितना है कैपिटल एम, पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर आर्क, अगर पूरा छल्ला होता तो लेंथ होती 2πr, आधा छल्ला है तो लेंथ है कितनी भैया पाई आर, तो पाई आर लेंथ का मास कितना है एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा एम अपॉन पाई आर, बोलो है ना, तो ये भी यूनिट लेंथ का मास है और ये भी यूनिट लेंथ का मास है कि नहीं है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब लॉजिकली मैं लिख सकता हूं कि जो भैया आपने निकाला है डी एम अपॉन आर डी थीटा वो बराबर होगा किसके, एम अपॉन पाई आर के, तो आर से आर क्या हो गया डी थीटा को ऊपर जान दूं तो जो डीएम बराबर है वो क्या हो जाएगा एम डी थीटा, बहुत सही, तो जिस चीज की चिंता थी ये देखो, ये जो वेरिएबल था एम था अब किस में कन्वर्ट हो गया थीटा में, किस में आ गया थीटा में, तो देर ना करते हुए ऊपर पुट कर देते हैं, लिखूंगा बाई वन, बिल्कुल सही, अपॉन कितना पाई, अपॉन कितना पाई, तो यहां पे पुट कर देता हूं मैं, तो ई कितना बनेगा बेटा, ई इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट कितनी जीरो टू पाई, बोलो हाँ है ना, जीरो टू पाई, डीएम की जगह वैल्यू रखूंगा, बोलो कितना एम अपॉन पाई एम डी थीटा, तो एम तो कांस्टेंट है ना, बाहर बुला लो, पाई भी क्या है कांस्टेंट, बाहर बुला लो, केवल अंदर कौन बैठेगा और साथ में कौन आएगा, तो मैं अच्छे से लिखता हूँ साइन थीटा डी थीटा, आई बात समझ में, चलो तो लिखता हूं मैं ई इक्वल टू इंटेंसिटी ई इक्वल टू जी एम अपॉन पाई आर, जी एम अपॉन पाई आर, ठीक है ना, तो जी एम अपॉन पाई आर, बेटा जी बेटा जी बेटा जी, यहां पे वन का था एम अपॉन पाई आर, टू पाई आर, हाँ बिल्कुल सही, ये देखो यहां पे गलती हो रही थी इसलिए, ये देखो यहां पे क्या था जी अपॉन आर स्क्वायर, हाँ ना, और जल्दबाजी में हमने यहां पर क्या लिख दिया केवल आर, तो क्या करना पड़ेगा इसको आर का स्क्वायर, बस ये मिस्टेक हो रही थी तभी तो ढूंढ रहा था मैं, तो ये जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, चलो हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा और इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, बोलो लिमिट कितनी है जीरो से लेके पाई, माइनस को बाहर बुला लो, माइनस कांस्टेंट माना जाता है, तो ये हो गया माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, अब कॉस थीटा है, लिमिट बनेगी जीरो टू पाई माइनस पा, लिमिट लगाइए भैया माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट कॉस पाई, बोलो हाँ, लोअर लिमिट कॉस जीरो, बोलो हाँ या ना,
चलिए तो माइनस का जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और माइनस ये वाला कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, कॉस जीरो कितनी होती है वन, अरे ये माइनस है और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, कॉस का सांप बना लो ना, ये है कॉस का सांप, बोलो हाँ है ना, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी ऊपर गिरा, कॉस 90 कितना जीरो और कॉस 180 कितना माइनस वन, हो गया लिख दिया सही। चलो 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 तो माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और माइनस वन कितना होता है माइनस टू, तो माइनस से माइनस साइन क्या हो गया कैंसिल, टू का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया। तो एक्स पॉइंट पर जो आपने एक्स लिया था उस पर नेट इंटेंसिटी आएगी टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यदि वेक्टर लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा जे कैप, क्योंकि सारा का सारा इंटेंसिटी का कंपोनेंट कहां भाग रहा था ऊपर, ये देखो ऊपर 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 दिख रहा है ना, इसलिए नेट इंटेंसिटी तो टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। नहीं 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 बिल्कुल नहीं ले सकते हो, सारी कैलकुलेशन रेडियन में होती है क्योंकि एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है रेडियन, इसलिए सारी कैलकुलेशन किस में करनी है रेडियन में, आ गई बात समझ में ना, तो 2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर ये आ गई है इंटेंसिटी, क्या आ गई है इंटेंसिटी। अगर क्वेश्चन कह दे कि हम, अब यहां पर मास निकालना, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर क्वेश्चन कह दे कि यहां पर रखा हुआ है मास एम, क्या रखा हुआ है मास, तो इस पर लगने वाला फोर्स निकालो, तो आपने पढ़ रखा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी, कहां से आया फिर से याद दिलाता हूं, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन टेस्ट मास, बोलो हाँ एफ अपॉन टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट मास, तो भैया एफ बराबर मास इनटू कितना इंटेंसिटी, तो चलिए भैया रख देते हैं, फोर्स निकाल रहे हैं तो एफ जी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में मास की जगह एम रख दिया, और ये कितना आया भाई साहब अपना जी एम, कुछ आया ना टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो टू जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, साथ में कितना जे कैप, तो लियो भैया आंसर आ गया टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर जे कैप, ये आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन पॉइंट मास एम, इस पर आने वाला फोर्स आ गया, समझ में आया। क्या सीखा आपने कि कैसा भी सिमेट्री हो कैसी भी ज्योमेट्री हो अगर उस पर मास फोर्स निकालना है तो पहले आपको इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी इंटेंसिटी, क्यों, क्योंकि जी वन एम जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर केवल लगता है पॉइंट मास पे, किस पे लगता है पॉइंट मास, बाकी किसी भी प्रकार के इस तरीके के मास को इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मास, क्या बोलते हैं इसको extended, ये लंबे लंबे टूटे फूटे आड़े तिरछे ये जो मास होते हैं एक्सटेंडेड मास होते हैं, इन पर सीधे जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर नहीं लगता है, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन को आना पड़ेगा, हाँ है ना, आगे समझ में ना। तो चलिए आज के लिए यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कल में और बड़े बड़े घातक और बड़े बड़े प्रचंड डेरिवेशन आपको कराऊंगा, ठीक है ना, आज यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं, धन्यवाद।